वेल नेक्स्ट टॉपिक इज एडवाटेज एंड डिस ऑफ सेक्स फोर्प्रोडक्शन और ये तो हमने देख लियान कैसी होती है यूनियन ऑफ द स्पर्म्स एंड एग्स और uh, ये डिप्लॉड जो इंडिविजुअल बनता है या जा जाइगोड बनता है और uh, ये फिर डिवेलप होकर इंडिविजुअल बनता है तो इसमें फर्स्ट वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस यही हैं क्योंकि ये जो गैमिट्स हैं वो बनते हैं एज रिजल्ट ऑफ मायोसिस और मायोसिस जब होती है तो दर इज़ ऑलवेज वेरिएशन वेरिएबिलिटी बढ़ती है और इस ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर नॉट द क्लोन्स दे आर नॉट आइडेंटिकल ऑफ वन बल्कि ये इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं और ये फिर एनवायरनमेंट जो अगर चेंज भी हो जाए तो इसमें देर अ चांस ऑफ सर्वाइवल ये सबसे इम्पोर्टेंट एक एडवांटेज है सेक्सअल रिप्रोडक्शन का और यही बेसिस है फिर अडेप्टेसन का यही बेसिस है फिर आगे फिर एवोल्यूशनरी प्रोसेस का अगर ये वेरिबिलिटी ना हो तो फिर क्या होगा कि ये अडेप्टेन्स नहीं हो सकती अडेप्टशंस का मतलब दे कैन नॉट दे कैन नॉट

इट इज़ दी ऑर्गेनिजम्स विच आर फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनकी फिर सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है तो और इसके साथ ही साथ उनका जो एक्सटेंक्शन रेट है यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाने का रेट बहुत कम है न फास्ट रिमूवल ऑफ बैड म्यूटेशन दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर इसके अंदर कोई म्यूटेशंस आ गई जेनेटिकली कुछ चेंज आ गई जिसकी जिसकी वजह से वो म्यूटेशन इतनी फेवरेबल नहीं हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उस वो जो बैड म्यूटेशन हैं दे आर रिमूव देर दे आर इलिमिनेटेड नाउ बेटर टू होस्ट पैरासाइटिक पैरासिटिक रेस देन ऑफ स्प्रिंग आर डिस्पर्स वाइडली टू एंड अपन डिफरेंट प्लेस फ्रॉम देअर पेरेंट्स तो इनकी डिस्पर्सल हो जाती है और इसी डिस्पर्सल की वजह से दे कैन सर्वाइव बैटर और उनकी लाइफ स्पैन भी और उनका जो स्पीशीज का स्पैन है वो भी बढ़ जाता है Then now, now the disadvantages तो रिप्रोडक्टिव रेट जिसकी वजह से फ्यूअर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये एक डिसएडवाटेज है ये बहुत वक्त लेता है लेकिन जो पॉपुलेशन है वो इस लिहाज से आ, आ, वो सब टाइम के लिहाज से एक छोटी बनती है पोटेंशियल फॉर स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस थ्रू पॉपुलेशन और अगर कोई इसका नुकसान यही है कि uh, इसके डिसवांटेज डिसएडवांटेज यही है कि जो स्प्रेड uh, है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस का वो वो uh, वो पॉपुलेशन में रहता है नाउ इनर्जेटिकली कॉस्टली That is it requires a lot of ongoing energy input from the from the parents. So is under obviously uh your, uh this uh, sexual reproduction may energy ki a utilization boss at So this is uh, all about uh, this is a comparison, you may call it. There is there is a comparison of asexual and uh, so uh, there is a disadvantage that is this Comparison between between the disadvantages and then the advantages of sexual reproduction. But the like advantage here that is much more as compared to the asexual as compared to the uh, disadvantages. So this is all about this topic.